कल 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो पहली बार किए जा रहे हैं, जैसे एक हर घर तिरंगा अभियान जो पिछले साल चलाया गया था, उसी तर्ज पर 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 3 दिन के लिए जो ध्वज संहिता है उसको थोड़ा सा लिबरल करके लोगों को अपने देश के नागरिकों के और सभी के साथ में उन शहीदों को याद किया जाए कि कैसे हमें आज़ादी प्राप्त की। इसके अलावा आज़ादी के अंदर महोत्सव के अवसर पर हमने नगर पंचायत क्षेत्र में जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें एक शिला फलकम का निर्माण कराया है, जिसमें वे सभी लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया है वे सभी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी शिला फलकम तैयार कराए जा रहे हैं, अमृत कलश की स्थापना कराई जा रही है और लोग अपने देश की मिट्टी को नमन करते हुए मिट्टी हाथ में लेकर के और पंच प्रण के माध्यम से उन शहीदों को याद कर रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है इस बार 10:15 बजे का कर दिया गया है। इससे पहले प्रभात फेरियां विद्यालयों के माध्यम से निकाली जाएंगी। इसके अलावा तिरंगा रैली का कार्यक्रम भी दरहल में आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत में और नगर पंचायतों में भी 75-75 पौधे लगा करके और अमृत वाटिकाएं तैयार कराई जा रही हैं। साथ ही सभी शहीदों को याद करने के लिए उनके शहीद स्मारकों पर 5 बजे माल्यार्पण और पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे ताकि जो देश की विविधता और एकता है वो लोगों में समृद्धता से बनी रहे और लोग ऐसे ही अपने शहीदों को याद करके और आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। मेरी सभी जन प्रतिनिधियों के साथ साथ जो नगर के निवासी हैं उनसे यही कामना है, यही अपेक्षा है कि वे भी बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता के इस समारोह में स्वतंत्रता के लक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपना प्रतिभाग करें और अपने बच्चों के अंदर भी ऐसी भावनाएं विकसित करें जो देश के लिए करो और देश को ऐसे ही करके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ाते हैं। जय सर। सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि उन सभी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों और उनकी सूची लेकर के उनको घर घर जा कर के माला पहनाकर उनका शॉल उड़ाकर मिठाई देकर और बुके देकर उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि यही वे व्यक्तित्व हैं जिनके पारिवारिक जनों की मदद से आज हम स्वतंत्रता की एक सांस ले रहे हैं। तो उनको भी सम्मानित करने की व्यवस्था, उनको भी सम्मानित करने की भावना से तहसील और ब्लॉक सभी जगहों पे जहाँ जहाँ भी शहीद हमारे ऐसे हैं उनकी सूची तैयार करा ली गई है और सभी को घर घर जा कर के सम्मानित कराया।